मारूफ अदाकारा यमुना जैदी ने इंकशाफ किया है कि फिल्म नायाब के डायलॉग मैं ही भारत को शिकस्त दूंगी इसलिए शामिल किया गया ताकि लोग पाक भारत रवायती दुश्मनी का मजा ले सकें। यमुना जैदी इन दिनों नायाब की प्रमोशन में मसरूफ हैं और वो मुख्तलिफ शहरों के शॉपिंग मॉल्स और कल्चरल सेंटर्स समेत तालीमी इदारों का दौरा करती दिखाई देती हैं। पिछले हफ्ते जहां फिल्म की प्रमोशन के दौरान उन्होंने लड़कों की तरफ अपनी टी शर्ट फेंकी थी, अब उन्होंने लाहौर में प्रमोशन के दौरान बताया कि भारत को शिकस्त देने की बात क्यों कही। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में यमुना जैदी बताती हैं कि उन्हें फिल्म में शामिल डायलॉग मैं ही भारत को शिकस्त दूंगी सबसे अच्छा लगा। दलील दी कि फिल्म में ये डायलॉग इसलिए डाला गया क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और भारत के मैचेस बड़े शौक से देखे जाते हैं और हर कोई इनमें दिलचस्पी लेता है। अदाकारा का कहना था कि दरहकीकत लोगों की तवज्जो हासिल करने और शायकीन का मजा दोगुना करने के लिए फिल्म में मैं ही भारत को शिकस्त दूंगी का डायलॉग शामिल किया गया। ख्याल रहे कि यमुना जैदी की फिल्म नायाब का ट्रेलर दिसंबर 2023 में जारी किया गया था जिसमें अदाकारा मैं ही भारत को शिकस्त दूंगी का डायलॉग बोलती दिखाई देती हैं। नायाब को रवा माह के इख्तिताम तक रिलीज किए जाने का इम्कान है। इसमें यमुना जैदी क्रिकेटर के रूप में दिखाई देंगी। फिल्म के किरदार नायाब का ताल्लुक सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची से होता है और फिल्म में उनके अलावा जावेद शेख, अदनान सिद्दीकी, उसामा खान और मोहम्मद फवाद खान समेत फरियाद महमूद भी दिखाई देंगी। जावेद शेख ने नायाब के वालिद का किरदार निभाया है जहां वो नायाब के क्रिकेट खेलने के खिलाफ हैं, जबकि भाई का किरदार मोहम्मद फवाद खान ने अदा किया है जहां वो क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करने से कौमी टीम में सिलेक्शन तक नायाब का भरपूर साथ देते हैं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।